अभी जो वीडियो आपने देखा है ये हरिद्वार का है, जहां पे कावड़ियों का एक झुंड ने एक मुस्लिम परिवार के जोड़ों को गाड़ी से उतार कर उस गाड़ी को ही पलट दिया, उस गाड़ी को ही पलट दिया। और जो बातें सामने आ रही है, जो सोशल मीडिया पे जो खबरें सामने आ रही है, जो लोग बता रहे, उसे सुनकर आपको भी बहुत हैरानी होगी। एक कार को पलट दिया कावड़ियों ने और उसके बाद उसमें आग लगाने की भी कोशिश की। उसमें एक मुस्लिम जोड़ा था, जो कि एक महिला थी और एक शख्स जो कार चला रहा था, उन दोनों को उतार कर उनके साथ मारपीट की गई और उसके बाद पूरा का पूरा कार पलट कर उसमें आग लगाने की भी कोशिश की इन कावड़ियों ने। और मामला क्या है वो आप सुनेंगे तो आपको और भी ज्यादा हैरानी होगी। सिर्फ छोटी सी बात के लिए ये सब कुछ हुआ है और कावड़ियों ने किस तरीके से हंगामा खड़ा कर दिया है, ये आप देखिए किस तरीके से ये खबर जो है वो सामने आई। मीर फैजल है वो क्या लिखते हैं आपके स्क्रीन पे। कावड़ यात्रियों का एक जुट्ठा गुड़ मंडी परिसर में विश्राम कर रहा था। करीब 3:30 बजे एक कार गुड़ मंडी से जा रहा था, बैक करते समय कार सड़क पर रखा एक कावड़ से छू गया। कार जो था वो बैक करते समय एक कावड़ से छू गया और उसके बाद गुस्साए कावड़ियों ने, जो कावड़ यात्रियों ने एक मुस्लिम कार चालक की जमकर पिटाई की और वहां पे एक मुस्लिम महिला जो कि कार में बैठी हुई थी उसे उतार लिया गया। और उसके बाद बताया गया कि जैसे तैसे वो मतलब कार चालक को लोगों ने बचा लिया, लेकिन महिला को कार से भीड़ ने उतारा और उसके बाद जमकर तोड़फोड़ की। अब जरा बताइए कि एक कार जो है वो एक कावड़ से टकरा गया, छू गया, तो इसमें इतना बड़ा बवाल खड़ा कर दिया गया कि कार को ही तोड़फोड़ कर दी गई, कार को पलट दिया गया, उतार कर उन लोगों को मारा गया। अब ये मुसलमान है, अगर और कोई होते तो शायद आपको ये सब कुछ देखने को नहीं मिलता, माफी मांग लिया जाता कि भैया हो गया है, गलती हो गई है, माफी मांग लिया जाता है और माफ कर दिया भी जाता। लेकिन यहाँ पे देखने को ये मिला कि एक विशेष समुदाय से लोग थे, तभी उनके कार को पलट दिया गया, उनके कार को तोड़ फोड़ की गई और उसके बाद उन लोगों को वहां से उतार कर मारा भी गया। आप किस तरीके से देखते हैं इस खबर को, जो कुछ आपको हरिद्वार से देखने को मिला है और जो कुछ भी कावड़ियों ने किया है, इसके बारे में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।